कुछ बातें ये पुलपिट से मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से बड़ा लहू बहाकर बड़ा पसीना बहाकर इसको पवित्र रखा है। जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं 24 घंटे उठते बैठते हैं उनको मालूम है कुछ छुपा हुआ नहीं है कितनी शिद्दत से हम इस सेवकाई को चलाते हैं। इसलिए नहीं कि ये मैंने कोई अपना बिजनेस खोलना है क्योंकि ये सबसे ऊंचे परमेश्वर पवित्र यहोवा का है जिसका नाम भी मुंह से लेना पुराने नियम में या किसी भी तरीके से हमारे लायक नहीं है मगर हम यीशु को पुकार सकते हैं ये परमेश्वर का बड़प्पन है। कुछ लोगों को जनरली मैं जब प्रीचिंग्स करता हूं तो मैं किसी का नाम नहीं लेता मगर उनकी जो बातें हैं वो शायद मैं बता देता हूं और आप लोगों को पता भी है। इससे पहले हमने मरीन चर्चेस के बारे में सिखाया था, एक दिन पूरी टीचिंग हुई थी संडे सुबह 9 बजे से संडे शाम 4:30-5 बजे तक और हमने मरीन चर्चेस सिखाए थे। जितने लोगों ने इम्पैक्ट ज्वाइन किया है उनको मालूम है एक दिन पूरा मैं ये फॉल्स चर्चेस के बारे में सिखाता हूँ हमारे आने वाले नए प्रचारकों को या मिनिस्टर्स को ताकि हमारे तरफ से गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मरीन चर्चेस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले, अभी मेरे शरीर को देख के शायद आपको लगता नहीं होगा मगर मैं बहुत पहले वर्कआउट किया करता था या यूं कहिए बॉडी बिल्डिंग किया करता था। उस जमाने में मेरी बीवी को भी विश्वास नहीं है कि मैं किया करता था। तो एक दिन हम शादी में गए और फिर वहाँ पर 2-3 लड़के आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया और वो आकर कहने लगे कि हम तो बस में आया करते थे आप लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखने। तब मेरी बीवी को विश्वास हुआ हाँ ये करता था क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। क्योंकि ओरिजिनल जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बनाने के लिए, मसल को 1 इंच बढ़ाने के लिए कम से कम 1 साल की मेहनत लगती है। आजकल स्टेरॉइड्स आ गए हैं, इंजेक्शन मारो डोला ऐसे बाहर आता। मगर स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनके डोले बाहर आते हैं फिर वो अस्पतालों में भी लेटे होते हैं, उनकी किडनियां, उनके लिवर काम करने बंद कर देते हैं। हमको लगता है ये सच्चाई है क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हम उस बॉडी को महसूस कर पा रहे हैं जब वो शर्ट पहन के चलता है। तो स्टेरॉइड्स की वजह से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे कर लिया। मुझे मालूम है ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कम से कम 7 साल मुझे लगे जीरो से ऊपर तक आने के लिए और 7 साल मैंने 8-8 घंटे एक्सरसाइज किए, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो इसलिए मेरे पास मेरी कोई तस्वीर है नहीं, फोटो हुआ करती थी वो भी फिल्म वाली खचाक करके। तो मगर आज के ज़माने में 2 डब्बे खाओ, क्रिएटिन का डब्बा लो और ऐसे आपकी मसल्स बाहर आ जाएंगी मगर बाद में वही क्रिएटिन आपके इंटेस्टाइन और आपके लिवर को सड़ा देती है, आपकी किडनियों को ख़राब कर देती है क्योंकि वो एक किस्म का प्रोटीन है। एक्सेस कोई भी चीज़, उसी तरीके से ऐसे चर्चेज हैं जो अचानक से कुछ नहीं थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गए, कहीं ना कहीं कोई स्टेरॉयड उनके अंदर डाल रहा है और स्टेरॉइड्स का परिणाम घातक हो सकता है। वापस आते हैं उस टॉपिक पर क्योंकि मैं इस पुलपिट से नहीं बात कर रहा हूं, मैं जमीन से बात कर रहा हूं क्योंकि जमीनी बातें हैं ये। कुछ लोगों का नाम इस पुलपिट में मेंशन करना मेरे लिए गलत होगा। उन लोगों से मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं उनसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसे एक और किसी भाई से करता हूं मगर वो जो काम कर रहे हैं वो काम से मैं इत्तफाक नहीं रखता, वो काम वचन के बाहर है और इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं। मैं उनके मेरा उन्होंने कुछ नहीं चुराया मगर जो कलीसिया जिस यीशु मसीह की मैं सेवा करता हूं, जो कोई उसकी भेड़ों को छेड़खानी करता है वो मेरे साथ पंगा लेता है, वो मेरे पिता की भेड़ों को छेड़खानी करता है। मेरा ये प्रचार करने का कतई मकसद नहीं है कि मैं उनके चर्च को
तोड़ दूं। मेरा मकसद केवल इतना है कि लोग सच्चाई को जाने और सच के पीछे चलें, क्योंकि मैं कलाम को जानता हूं, अगर मैंने एक भेड़ चोरी करी तो मुझे 40 भेड़ों से उनको पूरा करना पड़ेगा। कलाम ये कहता है, मेरे को उनका कुछ भी नहीं चाहिए, जो परमेश्वर ने मेरे को देना है वो परमेश्वर मुझे मेरे हक मेरे फेथ पे देगा। इसी विनम्रता के साथ मैं इस प्रचार को स्टार्ट करना चाहता हूं। झूठे प्रचारकों का पर्दाफाश, अपने बगल वाले को बोलो, बगल वाले जोर से बोलो, अरे आवाज सुनाई देनी चाहिए, झूठे प्रचारकों का। हाँ जी, मैं चाहता हूं भाई थॉमस, अगर आप हमारे साथ हैं तो सेकंड स्लाइड पे चलेंगे और एक आयत से शुरू करूंगा। जो बातें मैं कहूंगा वचन से कहूंगा, वचन के आधारित कहूंगा, वचन के बाहर मैं नहीं कहने वाला। ये एक भविष्यवाणी है जो मती 24 के 24 में करी गई है। कलाम यूं कहता है, ये कहने से पहले हो सकता है आपके में से कुछ लोगों के जहन में थोड़ी पीड़ होने लगे, थोड़ी तकलीफें होने लगे, ये लाजमी सी बात है, मगर मुझे क्षमा करिएगा, मेरा आपको कतई ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सही रहें, आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें, नरक की आग से बचे रहें, ठीक है? अगर किसी को ठेस लगेगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, क्योंकि जो पुलपिट पे आपकी सेवा कर रहे हैं वो चुने हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति झूठा है, ये चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए शैतान की चाल है। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप चुने हुए, शक है? अगर चुने हुए हो ना होते तो परमेश्वर आपके लिए मरता? आप चुने हुए, बोलो मैं चुना हुआ हूं, आमेन। चुने हुए लोगों को भरमा दे, देखो मैंने पहले से ही तुम्हें यह सब कुछ कह दिया, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें कि वह जंगल में है, यानी वह का मतलब यीशु मसीह, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो कि वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वो कब आएगा उसने किसी को नहीं बताया। तो कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई पापा जी आपको कहे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है मैं कब आऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। वहां पर अथॉरिटी का लेवल्स है, मगर कई बार फॉल्स चर्चेज में उनको अथॉरिटी पता ही नहीं होती। आज मैं उसी की बात करने जा रहा हूं, समझिए, दिमाग को खोलिए और जानिए। जहां लोत हो वहां गिद्ध, जहां लोत हो, सब कहिए, वहां पर ये झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। साउथ में इतने नजर नहीं आते, सारे पंजाब में कहां से आ गए, क्योंकि वहां के लोगों को माड़ा मोटा वचन पता है। ये वहां पर भी फैल रहे हैं, मगर ज्यादातर ये वहां पर है जहां पर लोग नए हैं, उनको कलाम नहीं पता, जो बोल दिया वही कलाम हो गया। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर जितने भी चर्च वाले हैं उनसे विनती है कि कम से कम आप बाइबल पढ़ें, बाइबल साथ लेकर आए, ठीक है जी? एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये तस्वीर केविन कार्टर की खींची हुई है और ये सुदान में, जो साउथ सुदान है, वहां की तस्वीर है। यहां पर देखेंगे कि एक बच्चा पानी और भूख से मर रहा है और पीछे एक गिद्ध खड़ा हुआ है, और ये फोटोग्राफर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम कर रहे थे और इन्होंने ये फोटो लिया, मगर बच्चे को पानी नहीं पिलाया। बच्चे को उठाकर उसको जो यूएन का जो कैंप चल रहा है वहां ले नहीं गए। उसके बाद वाला स्लाइड पे आप जाएंगे। इस तस्वीर की वजह से केविन कार्टर को 2-3 अवार्ड्स भी मिले,
ये तस्वीर मार्क 26 1993 की है, और इसके बाद केविन कार्टर को 1994 में पुलित्ज़र प्राइस मिला, जो फोटोग्राफी की दुनिया का ऑस्कर है, जो सबसे बड़ा प्राइज है। मगर 34 की उम्र में केविन कार्टर ने अपने आप को फांसी लगा ली ये प्राइज पाने के बाद। पूछो क्यों? क्योंकि वो फोटो खींचने में ही इतना मशगूल था कि उसने एक बच्चे की जिंदगी बचानी नहीं सोची, एक लड़की है। चर्च आजकल क्या हो गया है, वो फोटो खिंचवाने में ज्यादा मशगूल हो गया। मैं केविन कार्टर बनना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर जब मेरे सामने आएगा, मैं जानता हूं कि मैं आज बहुत ही पोटेंशियली खतरनाक काम कर रहा हूं। मेरी दो बेटियां हैं, एक पत्नी है, एक सेविकाई है, और बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं। आत्मिक रीति से ये माफिया के लोग हैं, और तरीके भी इनके माफिया वाले हैं। ये मैं अभी आपको साबित करने वाला हूं वचन से, और जो एविडेंसेस मेरे पास कुछ मिले हैं उनसे। हो सकता है ये वीडियो शायद ज़्यादा देर तक रहे नहीं, जो भी है जैसा भी है ये प्रचार आप समझ लीजिए, 10 आदमियों को और समझा दीजिए, कलीसिया बच जाएगी। मैं केविन कार्टर बनना नहीं चाहता कि मैं फोटो खींच लूँ और वाहवाही पालूँ, और दुनियावी नज़र में मेरे को लोग अच्छा कहें, वाह जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये नहीं चाहता। अगर मेरी वाहवाही होनी है तो परमेश्वर करे, बंदा ना करे। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को आज लाइन पे रख रहा हूं। चर्च के अंदर पादरी साहब दूसरों की निंदा नहीं करते, मगर गलत बातों को सहना भी कहां बाइबल में लिखाया हुआ है, आप बता दीजिए। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता हूं, मगर गलत बातें जब आप सह लेते हो, ये भी बाइबल में मना की हुई बात है। अगले स्लाइड पर चले। यहर्मिया 6:16 में परमेश्वर यूं कहता है, नबुवत की सेवकाई से आप क्या समझते हैं, या आप किसी को भविष्यवक्ता कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? अगर आपने थोड़ी बहुत भी बाइबल पढ़ी है, आपको कितने प्रॉफिट्स ये कहते हुए नजर आए कि तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारे घर बन जाएंगे, तुम्हें धन प्राप्ति होगी, बाइबल के अंदर बता दीजिए मुझे कितने प्रॉफिट्स ऐसे नजर आए आपको। मगर आज भीड़ वहां पर है जहां पर यही प्रॉफिट्स बैठे हुए हैं। मगर हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरा जन्म किसी मसीही परिवार में नहीं हुआ था, मैं गैर मसीह परिवार में आया हूं, जहां पर हम बाबाजियों के पास जाते थे और हम बोलते थे कि बाबा जी मेरा बहू मेरा कहना नहीं मान रही है, कैसे मैं इसको वश में कर लूं, तो बाबा जी हमें मंत्र बताते थे, हम वशीकरण कर लेते थे। बाबा जी मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे, कुछ मंत्र बता दो। अच्छा बताता हूं, वही चीज तब्दील होकर आज चर्चिस में घुट के बैठ गई है और लोग उसका मजा ले रहे हैं। जब आप किसी भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, आपको क्या लगता है वो आपकी सारी तारीफें करेगा? ओह, शायद आप किसी भविष्यवक्ता से, ढंग के भविष्यवक्ता से मिले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को दिखता है कि आप क्या करके आए हैं, क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, क्यों कोई चीज आपके पीछे चल रही है। बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं ईगो के साथ, ईगो समझते हैं, घमंड के साथ। पिछले हफ्ते कोई जन मेरे पास आए, वो कहते जी मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में दर्द है। मैंने कहा आपने किसी जगह से खाना लिया? जगह मतलब जगह? नहीं नहीं। मैंने कहा ओके जाओ, क्योंकि जेम्स 5 कहता है या तो आप अपने घमंड को रख लो या आप छुटकारे को प्राप्त कर लो। थोड़े समय के बाद ये किसी पापा जी के पास पहुंचे हुए थे अपना झाड़ा करवाने। यहां पे एतबार कबूला नहीं कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मगर भीड़ के अंदर बैठ के बोले चलो निकल जाएगा ये हमारे ऊपर से। लोग बेवकूफ समझते हैं प्रॉफिट्स को, लोग समझते इसको कुछ नहीं पता। पहले तो आधे टाइम ऐसा रहता कि लोगों से पहले इस्टैब्लिश करो ये तेरे ऊपर आया कहां से, वो इस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी होता है। डिलीवरेंस आप ऐसे नहीं कर सकते, लोगों को भी तैयार होना चाहिए डिलीवरेंस करवाने के लिए, मगर एक्चुअली में क्या होता है मैं आज आपको दिखा रहा हूं। लोगों की ये मेंटेलिटी है, ये मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं।
जो भविष्य वक्ता है उनको यहर्मिया 6:16 में यूं कहा गया है, यहोवा यूं भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो, हमारा काम क्या है, देखना, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन से चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे, मैं तो तुम्हारे लिए पहरुए मतलब वॉचमैन बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना मानेंगे जी आपकी, हम ना सुनेंगे, क्योंकि अगर आप यहां बैठे हैं तो मैं आपको बताता हूं पंगा लेने का समय आपका पूरा हो चुका है, अब न्याय होगा और वो भी फटाफट होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, न्याय होगा और फटाफट होगा। जो परमेश्वर की मियाद है वो पूरी हो चुकी है, इसीलिए जैसे जैसे प्रभु का आना निकट होगा वैसे वैसे जजमेंट इंक्रीज होता जाएगा। आप पंगा लेके देखो, उसी समय संटी ना पड़ी, बैंत ना पड़ा तो मुझे बताना, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सुनिएगा, अब जैसे ये वीडियो रिलीज होगी या कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे, उनके अंदर एक कीड़ा है आधे बाइबल नॉलेज का, वो जाग उठेगा, वो एक स्क्रिप्चर कोट करेंगे और वो मैं पहले से कोट कर देता हूं। अगली स्लाइड पे जा, कलाम यूं कहता है गलातियों 2:11 में, दाऊद और साउल के बीच में एक रिश्ता था, साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश की और दाऊद वहां से भाग गया, और जब साउल के मौत की खबर आई तो दाऊद यूं कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त को ना छूना। मगर जब हम नए नियम में देखते हैं, पतरस और पौलुस के बीच में एक लड़ाई हुई, एक फेस ऑफ हुआ, फेस ऑफ का मतलब है पतरस ने कुछ गलत किया और पौलुस वहां पर जाकर खड़ा हो गया और कहता कि आपने गलत किया है। क्या पतरस परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं था या पौलुस परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं था? पतरस पौलुस से ज्यादा ओहदे वाला था, क्योंकि पतरस ने शरीर में प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उसके साथ 3.5 साल रहे थे, पर पेंतिकूस के दिन वो शेर की तरह गहाड़ा था और बाकी सारी चीजें हैं। मगर पौलुस ने कभी फिजिकली प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, बल्कि बाइबल यूं बताती है जब प्रेरितों के काम 9 को पढ़ते हैं, स्टीफनुस के पथराव में पौलुस का हाथ था, जो उस समय उसका नाम शाउल था। पतरस एंतियोक में आता है, एंतियोक का मतलब है सीरिया के अंदर, और वहां पर एक चर्च चल रही है, नई चर्च है, और वहां पर आकर वो यूं कहता है कि मैं जो खतना रहित है, जो इब्रानी नहीं है, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। आपको मालूम है धारीवाल में आप पास्टर के बराबर नहीं बैठ सकते, मैंने कभी ऐसा आपके साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। मैं भी अपनी कुर्सी लगा दूं ना और आपको बोलूं नीचे बैठो, क्या लगता है? 2 मिनट लगता है 2 कुर्सी गायब करने में? अगर कोई आपको मान दे रहा है तो मान रखना भी सीखे, ठीक है? सुनिएगा, गलातियों 2:11 में, जब कैफा यानी पौलुस अंतियाक में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। लोग यूं कहते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त को ना छूना, ये उनके लिए है, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसीलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों का के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। मतलब जेम्स जो यीशु मसीह का आधा भाई था वो आया और जेम्स को देखने के बाद ना ये डर गया। अब सब जगह पर ले हैंड्स होती है, सब जगह पर ऑयल लगता है, सब जगह पर अलग अलग नाटक होते हैं, हम क्यों नहीं करते वो नाटक? क्योंकि कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता पवित्र आत्मा के सिवा। सुनिएगा, तो वहां पर पौलुस क्या करता है, आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा, उसके साथ शेष यहूदी भी कपट किया, यहां तक कि वह बरनबास को भी इस कपट में एक नई डॉक्ट्रिन ले आए कि हमने खाली यहूदियों के साथ प्रभु भोज बांटना है या रोटी तोड़ेंगे, हम बैठेंगे नहीं अन्य जातियों के साथ, जो लाखों परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वास में आते हैं, चंगे होते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर को अपना पिता करके मानते हैं, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हम खाली उनके साथ बैठेंगे जो टॉप क्लास है।
कई चर्चेस में आपके वो कार्ड जिनके प्लैटिनम कार्ड होते हैं वो आगे बैठते हैं, ये वहीं से है। उनको आगे बिठाया जाता है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनको पीछे चल ऑफरिंग देख के आपके साथ इज्जत की जाती है। होता है नहीं होता, मैं हवा में बोल रहा हूं। हाँ जी, होता है ऐसा? पीछे वालों ऐसा होता है? आप तो ऐसे मुंह बना के बैठे हो कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ ही नहीं। होता है ऐसा? बाहर वालों आपके साथ ऐसा हुआ है? आज का सच, अगली स्लाइड पे आ। पहला तिमोथियस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्ट सा से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आप एक डिग्री बहके, सपोज मैंने वहां जाना है, मैं एक डिग्री से बहक जाता हूं तो मैं वहां की जगह वहां चला जाऊंगा। हम स्वर्ग के मार्ग पे तुर रहे हैं, मार्ग छोटा है, अगर एक डिग्री भी बहके तो आप बाहर निकल जाएंगे। बहकना नहीं है, बोलो अपने पड़ोसी को, बहकना नहीं है। ठीक है, आज मैं ये प्रचार कर रहा हूं और पूरी हलीमी से कहता हूं, जिस दिन में मैं वचन से बाहर जाऊं आप मेरे से आकर बात कर सकते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से सारे परमेश्वर के लिए सिद्ध बन रहे हैं, मगर अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और जरा सा भी आप गड़बड़ करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताती है और आप वो गड़बड़ ठीक कर सकते हैं। मगर ये वो लोग हैं जो जानबूझ के गलत करते हैं और लोगों से गलत करवाते हैं। सुनिएगा आगे, प्रकाशित वाक्य 13:11, अगली स्लाइड पे आओ। अंग्रेजी में मैंने लिखा है, डिसेप्शन लीड्स टू डिविनेशन एंड डिविनेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कलाम यूं कहता है कि जो मूर्ति पूजा में गए हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे गए हैं, गलत डॉक्ट्रिन्स ली हैं, वो नाश हुए। प्रकाशित वाक्य 13:11 यूं कहता है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और उसके मेमने से सींग थे। आप मेमना किसको बोलते हैं? मेमना किसको बोलते हैं, समझाइए ना। मगर ये एक और जानवर है जिसको यूहन्ना ने देखा और जिसके मेमने से सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। मेमना है मगर बातें सांप के जैसी। दिखने में क्या है, बातें कैसी हैं? दिखने में पास्टर है, हरकतें हाँ सांपों जैसी नहीं, उससे भी घटिया। ऐसे कुछ लोग हैं, सांप को देखा और उसको देखा, सांप को पाल लूंगा, कम से कम ईमानदार है, बता के काटेगा। ऐसे लोगों से बचो अगर जीना चाहते हो तो। अजगर के समान बोलता था, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पशु की जिसकी प्राण घातक घाव था। परमेश्वर ने जब लूसीफर को सर पे मारा था उसके घाव बन गया था। ये लूसीफर की बात कर रहा है। जो मेमना दिखने में है वो फॉल्स प्रॉफिट है, वो दिखने में ईशु की बातें करता है, दिखने में ईशु के जैसा है मगर जबान उसकी सांप के जैसी है। और उसकी ताकत कहां से आती है? उसकी ताकत शैतान से आती है। सुनिएगा, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था और यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। स्वर्ग से पृथ्वी पर आग किसने बरसाई? पहला किसने बरसाया? हा मूसा ने। दूसरा किसने बरसाया? एलिया ने। तीसरी बार स्वर्ग से आग कब उतरी? पेंतिकूस के दिन में। समझे? उन चिन्हों के कारण जिन्हें उसने पशु के सामने दिखाए थे, दिखाने का अधिकार उससे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। जिस पशु को तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। कलाम क्या कहता है? मूर्ति, यही देख लीजिए। कलाम से बाहर जाना, उसने चिन्ह चमत्कार दिखाए,
मैं जानता हूं बहुत लोगों को नींद आ रही है क्योंकि ये स्पिरिट जो आपके अंदर काम कर रही है आपको सुनने नहीं देगी। शैतान से अधिकार लिया, मेमने के जैसा दिखता था, सांप के जैसी बोली थी, काम पुट्ठे करवाता था। बात समझ में आ रही है? आगे चलेंगे। कैसे पहचाने झूठे प्रचारक को? प्लीज जल्दी जल्दी, सवाल सभी के मन में होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से कैसे, उनके कैसे कैसे किससे पहचानोगे? फल क्या है? आत्मा के फल क्या है? संडे स्कूल वालों, आत्मा के फल क्या है? लव, पीस, जॉय, पेशेंस और फोरबेरेंस। अब इसकी हिंदी मुझे नहीं मालूम, 9 आत्मा के फल है, संयम, पेशेंस, संयम। ये सारे फल अगर ना दिखे तो बोलो बॉस लफड़ा है। इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाता है, आग में डाला जाता है। इसी प्रकार से उन फलों में से तुम उन्हें पहचानना, फलों से उसकी पहचान होगी। आपको मालूम है यीशु ने एक अंजीर का पेड़ देखा और उसको श्राप दिया। क्यों? पेड़ ने ऐसा क्या किया था? उसके अंदर हरा भरा था मगर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जितने आपके बगल में सो रहे हैं उनको एक बार थोड़ा सा जगाइए। जागो जागो, हिलाओ अपने बगल वालों को। सब जाग रहे? ओके, अगली तस्वीर पे जा। ये देखिए, इनको आप पहचानते? मैंने तस्वीर थोड़ी ब्लर रखी है, पहचानते आप इनको? हाँ, आधा पंजाब पहचानता है इनको। उनके बगल में कौन है आपको पहचानते? अच्छा, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं बताइए? अरे बताइए ना, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, खजूर के पत्तों पर, खजूर के पत्तों पर कौन चला था? परमेश्वर का नाम क्या है? अच्छा, ये कहां से आपको यीशु मसीह नजर आते? यीशु मसीह क्यों बना मालूम है? क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल सिन नहीं था। बच्चे आदम के कब पैदा हुए? काइन और आबिल कब पैदा हुए? जब उन्होंने फल खाया, उनको समझ में आया कि औरत और आदमी एक साथ जब होते हैं तो क्या होता है। अदन की वाटिका से निकलने के बाद काइन और आबिल पैदा हुए, जो ओरिजिनल सिन यानी कि सेक्सुअल सिन के साथ पैदा हुए। यीशु मसीह मरियम की कोख में कैसे गया? बाइबल खास तौर पे बताती है यशाया के समय से, लूका रचित और मती समाचार में, कि वो कंवारी थी जो गर्भवती हुई। उसने किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा था, 750 साल पहले यशाया ने बोल दिया था। क्या इनके अंदर ओरिजिनल सिन है? इनके बच्चे कहां से पैदा हुए? ये कहां से पैदा हुए? किसी भी तरीके से क्या ये प्रभु यीशु के बराबर हो सकते? हाँ जी, तो फिर आप ये कैसे हजम कर लेते हैं? एक होता है ड्रामा करना, हम भी बच्चों को बोलते चलो भाई तुम कलाकार बनो, प्रभु यीशु की तरह बनो, मगर ये जो हो रहा है ये पाखंड है और इसको करने वाले कौन है? हम लोग। कोई कलाम हमें पता नहीं है। सुनिएगा यशाया 48:11, यहां पर मैंने नहीं लिखा, आज सवेरे ही मैंने ये जोड़ा है। मैं चाहता हूं खोल लीजिए अपनी बाइबल में आयजाया 48:11। यशाया 48:11 यूं कहता है, अपने निमित्त, हां अपने निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को, मैं अपनी महिमा दूसरे को, मैं अपनी महिमा दूसरे को। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे बराबर कोई ना बैठे। जेदबी के 2 बेटे थे, जेम्स और एंड्रू। परमेश्वर बोलता है ये मेरे बराबर नहीं बैठेंगे, जबकि चेले थे। सुनो, जब पतरस को वो सलीब पर चढ़ा रहे थे, मालूम है पतरस ने क्या कहा?
कि मैं इस लायक नहीं कि मेरे को सीधा सलीब पर चढ़ाओ, मुझे मुझे उल्टा करके चढ़ाओ कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूं। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो प्रभु के साथ अपने आप मुंडी मत हिलाइए, ये आप ही की वजह से बने हैं, आप ही की गलत टीचिंग्स को फॉलो करने की वजह से ये जो बने हैं सो बने हैं। मती 23 का 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इनकी हरकतें कैसी होती हैं। कितनों ने 150-150 रुपए की फोटो ले रखी है अभी अपने घरों में, है भाई किसी गरीब को तो बिस्किट खिला देते, बोले ये यीशु ने दिया आपके लिए, ले लो बेटा। कोई जो रस्ते में लेटा हुआ था जिसको कोई अस्पताल नहीं उठा रहा था, चार आदमी इकट्ठा होते 100-100 रुपए मिलाते उसको अस्पताल लेके जाते, बोले यीशु ने तुझे अस्पताल पहुंचाया। मती 23 का 6 यूं कहता है, भोज के मुख्य स्थानों पर और सभा के मुख्य आसनों और बाजार में नमस्कार। पापा जी गोडा गुडा ना छुआ करो यार, या तो पूरा षष्टांग प्रणाम, गोडे में कुछ नहीं रखा, वो चेक करते मैं सोचता कहां से हो, मैं गोडे से नहीं सोचता, मैं यहां से सोचता हूं। और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, परंतु तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम सब क्या हो। ये पापा जी वाली थ्योरी तो गायब हो गई इसमें से। कलाम कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सब भाई हो। अब भाई को पापा बोलने लगूंगा तो सोचो, कंफ्यूजन है। सुनिए, पौलुस और बार्नबस एक जगह पर थे, प्रेरितों के काम, अगली स्लाइड पे जा, 14 उसका 13 खोलिएगा। पौलुस और बार्नबस एक जगह पर थे, उन्होंने एक लकवे के रोगी को चंगा कर दिया और लोग भेंट चढ़ाने आ गए उनको। पौलुस और बार्नबस का प्रतिउत्तर देख लीजिएगा, यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर में उनके सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। उन्होंने पौलुस और बार्नबस को देखा, कहता ये तो परमेश्वर है, उनके सामने वो बलिदान। परंतु जब बार्नबस और पौलुस प्रेरित ने जब यह सुना, वो अपने कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने कहता हमें परमेश्वर ना बुलाना, हमें परमेश्वर ना बुलाना। आज हम क्या कर रहे हैं, आप फिर बोलना कि मेरे घर में बरकतें क्यों नहीं है, क्यों लफड़ा है, वो सब यहीं पर है। अगर सच जानना चाहते हो तो गुर्दा रखो, सुनो, कान खोलो और आगे बढ़ो। आज मैं हाँ जी, वो आदर, परमेश्वर की जगह देना और आदर देना, ये दो अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके घर में आ जाता हूँ, नीचे बैठ जा, ये ले ले, खुद उठ के पानी पी ले, ये नहीं। वचन कहता है एक नबी को उसकी आदर इज्जत दो, एक पास्टर को उसका आदर दो, एक भविष्यवक्ता को उसका आदर दो, उसका फल मिलेगा। मगर परमेश्वर की जगह पर मत बिठा, वो जो लाइन है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है, जब मैं अपने पास्टर को देखता हूँ तो मैं उनको सबसे अच्छी जगह पर बिठाने की कोशिश करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अंकल सही से है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है। या मैं किसी पास्टर को बुलाता हूँ या किसी दास को अपनी मिनिस्ट्री में बुलाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो सही हो सबसे ज़्यादा। उनके पीछे मैंने एक आदमी छोड़ रखा होता है कि इनको कोई तकलीफ ना होने पाए सवेरे से लेकर शाम तक, क्योंकि आदर, हम कल्चर ऑफ ऑनर में विश्वास करते हैं, आदर दो और आदर लो। आदर का मतलब वर्शिप नहीं है, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। जब उन्होंने सुना, अपने कपड़े फाड़े और भीड़ पे लपके, भीड़ के ऊपर लपके मतलब गुस्सा हो गया भीड़ से, और पुकार कर कहने लगे कि हे लोगों क्या तुम ये क्या करते हो,
हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हारे सुसमाचार सुनाते हैं, और तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिलो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और उनमें रहने वाले सब जीवों को बनाया है। यहां पर एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है, ऑनर और वर्शिप, आदर करें वर्शिप ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज, जो कोई आदमी अपनी आराधना करवाना चाहता है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, वॉइस खोल दे यहां पे। ये स्लाइड सबने देखी होगी मगर मैं इनके फल आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक चर्च है जहां पर मम्मी जी ने एक लड़की को पीटा था, जानते ही होंगे खावड़ा चर्च, स्पेशल चर्च, लोग पीटते ही रहते हैं वहां पर। उसने बढ़िया से उसके बाल पकड़े और दनादन पीटा, बाल पकड़ के। उससे बेचारी से गलती हो सकती है, वो गाली दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, मगर आपको किसने हक दे दिया उनको बाल से पीटने का? तो यहां पर पीटने के लिए आप में से कितने अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं? आपको मालूम है इस चर्च में लोगों को जबरदस्ती रखा जाता है। अगर मैं सही हूं तो धारा 237 के चक्कर में अगर आपने किसी को जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ बिठा रखा है तो पुलिस केस हो सकता है। ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा चर्च है और कौन सी डॉक्ट्रिन है, और क्यों हम ऐसी बातों को सह लेते हैं? चर्च में आए हैं, इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। अगर आपने किसी को करेक्ट भी करना है, किसी ने गलती भी की है, तो प्यार से उसको करेक्ट करिए जैसा पौलुस सिखाता है। हाथ पांव चलाने वाली क्या बात है, उसमें ऐसा क्या हो रहा है? अगला वाला वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जी। यहां पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़े चर्च के बहुत ही बड़े पास्टर जी के बहुत ही बड़ी वाइफ को गुंडागर्दी करते हुए, इसको बेसिकली गुंडागर्दी बोलते हैं। चर्च सवाल क्यों नहीं पूछता? इनके यहां पे जो लाखों लोग गए हैं वो सवाल क्यों नहीं पूछते, वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जब भी आप किसी पॉलिटिशियन से सवाल पूछते हैं ना, कोई भी पत्रकार, या तो वो मर जाता है या उसकी नौकरी जाती है। वही हाल चर्च में भी हो रहा है। हम सवाल क्यों नहीं पूछते, भाई क्यों मारा आपने उनको, क्यों मारा? ओ देख देख बाल बाल देखना भी, आई शाबाश, ये WWF चल रही है अभी, यहां पे भी देखना, वो देख वो देख वो देख वो देख, जैसा पेड़ वैसा सूट टाई पहन के गुंडागर्दी हो रही है, है जी। अंग्रेजी में मैं कहता हूं पिक somebody ऑफ योर ओन साइज, जो दंगा करना है अपने बराबर वालों से करो। अब यहां पर इसके साथ पीछे चल रहा है जोर हमारा है, ये केड़ा जोर है? हैं आप बाहर वाले जो देख रहे हैं उनको क्या गवाही दे रहे हो कि यीशु ऐसा है? हमारी गवाही आई है ना, हम शैतान को कैसे हराएंगे, मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन से। क्या यीशु ऐसा है? क्या यीशु ने ऐसा किया आपके साथ? फिर तुम कैसे सह लेते हो? जब कोई बच्चा पिट रहा है, जब कोई विश्वासी पिट रहा है, तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूं, तुम्हारे को सच बता रहा हूं। ये हमारा ही बच्चा है ना, मैं शायद इसको जानता भी नहीं, मैं शायद जिंदगी में इस बच्चे को कभी मिलूं भी नहीं, है तो मेरा बच्चा। हम आपस में भाई हैं, कलाम कहता हमारा भाई है, हमारी बहन है, कैसे? पापा जी बोली जाओ, ताली ताली पीटी जाओ, यह काम खाली चर्च में सिखाया जाता है। आगे बढ़, अगली स्लाइड पे जाएंगे। अगली नेक्स्ट, पहला तिमिथिस उसका 3 यूं कहता है कि कलिसिया का बिशप यानी कलिसिया का अध्यक्ष कैसा हो। 1 तिमिथी 3:1,
यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष यानी बिशप होना चाहता है, यानी पास्टर या अपोस्टल होना चाहता है, वह भले कामों की इच्छा करता हो। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का। हम एक चर्च में गए थे लुधियाना में, जहां उसने दो दो रखी हुई थी, वह भी एक ही घर में, और वो घर में वो चर्च भी चलाता था, एक तरफ एक दूसरी तरफ एक, और बगल में पिस्तौल भी थी। मेरे को आके बोलता है, जी मेरे जिंदगी के ऊपर बड़ा काफी खतरे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। फिर आखिरी दिन, तीसरे दिन हमें पता चला वो दूसरी वाली भी इसकी पत्नी है। फिर मैंने इसके कांग्रीगेशन में किसी से बात की, कहता जी इनके ऊपर दाऊद का अभिषेक है, उसकी चार थी कम से कम, ये दो रख के बैठा है। कलीसिया को ऐसे लोग क्यों पसंद है? अंग्रेजी में एक कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम भी कांड करो, हमें भी करने दो, ना हम तुम्हें बोले ना तुम हमें बोलो, बस चलता रहे बस। ईमानदार पासवान क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो पूछ लेगा, हाँ बे ये पैसे कहां से आए तेरे पास, क्या किया, कहां से लाया, कैसे लाया, कब लाया, क्या कर रहा है, पूछ लो। जितने भी मेरे आजू बाजू फटकते हैं वो पहले ही सोच के आते हैं मैं चार सवाल पूछने वाला हूं उनसे। संयमी सुशील, तेरा नाम भी मेंशन है। सभ्य, सभ्य मतलब, और ये जब आप किसी को पीटते हुए देखते हो इनमें से कुछ भी उनके पास है। अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मार, गलत बाइबल छाप दी मैंने शायद, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, झगड़ालू और धन का लोभी भी अच्छा, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन में रखता हो। जब कोई अपने घर की ही प्रबंध ना करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, नया भी ना हो, आज ही पैदा हुआ कल से नाम अपोसल चंगा मंगा मिनिस्ट्री। ऐसा ही हो रहा है ना, हर गली में अपोसल प्रॉफेट पास्टर तो ऐसे उग रहे हैं पता नहीं जैसे आलू बुखारा हो। मतलब कल पैदा हुआ है, कल मतलब सा ली है बच्चे ने, आज ही मैं अपोसल बन गया, छोटी पतली टाइम, आधा गुरदासपुर ऐसे भरा हुआ है, फोटो अभी एक वांगू खिंचाते, थोड़ी अलग खिंचवा लो भाई, वैसे सबकी फोटो ऐसी है। मैं सुशील कोई दवाई लिख इनके लिए, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन दूर हो। फिर ये नया हो ना हो कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो जाए। हम कैसे ऐसे लोगों के नीचे बैठते हैं? अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया चाकू के साथ, छुरी के साथ, या मतलब आया बंदूक के साथ मारने, मैं कहता हूं आप अपनी सेल्फ डिफेंस में करो जी सेल्फ डिफेंस में। दाऊद ने भी पीटा, आप भी पीटो, कोई टेंशन नहीं। मगर ये क्या है, आपका वॉलंटियर है, प्यार से समझा दो बेटा ऐसा नहीं करना नेक्स्ट टाइम। आप टपली भी टपली होती है, आजकल तो स्कूल में मारना मना है, वो बाल पकड़ के ऐसे हिला रही है, व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है? हम आज हंस रहे हैं मगर उस बच्चे का सोचो, लाखों सामने बैठे उसके सामने वो पिट गया, अगर खुदकशी कर ले तो। अगली वीडियो पे जा, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने बहुत ध्यान से, कल मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, मैं और मेरी बहुत बड़ी एक रिसर्च टीम है, तो हम रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कुछ ना मिल रहा उसके बारे में। मतलब लोग ये पीटता है, FIR इसके खिलाफ है, वीडियो बनती है, वीडियो गायब कैसे हो जाती है? ठीक है, मैं वीडियो भी कड़ी है। अंकुर उल्ला जी, मैनू ये तो दसो कि मैनू कि व्यभिचार करते देख लिया तुसी, या केड़ी रिलेशन है कुड़ी दे नाल, या किसी लेडी ना, ओदा जवाब दो। ठीक है, पॉइंट की सिस्टर, मैं जिहड़ा गल किया सी ना, वो व्यभिचारी मैनू सही कहिंदा पिया, क्योंकि ओदा मेरे मोबाइलां दे उत्ते होल्ड है, मेरे इस घर दे उत्ते होल्ड है। ठीक है, ओदा सच की है। हुण मैं तुहानू अज ना, मतलब इदां हुंदा वा कि सम टाइम ना बंदा गल्लां ही करदा हुंदा वा, ते आह मतलब ए महीना चल रहा है मार्च दा, ठीक है, 14 मार्च नू
लुधियाना पुलिस के कोल लास्ट डेड डेड की कहते डेट है लास्ट। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अगर बाबा जी ने मतलब इन्हों ने बाबा जी के एफ आई आर ना हुई ना तो फिर की होगा कि इन्होंने उत्ते मतलब मीडू से दिल्ली एफ आई आर हो जानी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हुण आप गल शुरू करते हैं, ये जिहड़ी कहानी शुरू हुई है ना 18 अगस्त 2020 तो, ठीक है, जो मेरा इन्होंने न्यूज चैनल हैक किया, ठीक है, आ हैडिंग लिखी हुई है, ठीक है, मतलब ये वीडियो 38,000 लोगों ने देखी, ठीक है। इस तो बाद मैं वीडियो दूसरी से आया ना वा जिदे बाबा जी के 7 हैकर लभ ले, आ देख रहे हो बाबा जी के 7 हैकर लभ ले, ठीक है। बाबा जी की यह वीडियो 11,000 लोगों ने देखा, ठीक है। बाबा जी हैकर आ, बाबा जी का मेन कॉन्सेप्ट हैकिंग दा। अगर बाबा जी अन्ना तो पैसा आ रहा, चर्च आस्ते फंडिंग आ रही, 1,000 करोड़ का इन्होंने उत्ते एफ आई आर हुई है दिल्ली दे विच, ठीक है ना, ते मतलब मजाक तो है नहीं। बाइबल पढ़ी आ जो इन्ने पापा नू सपोर्ट करन दे आ, अज मैं खुले आम मीडिया च बोलन दी, तुसी अख बंद करके इन्नी सपोर्ट कर रहे आ, पुलिस वाले जिन्ने कमिश्नर आ जिन्ने हैगे आ, एक क्वेश्चन आ, तुसी अंधा दोन मेनू लगता अंधे हो के तुसी पापे का साथ दे रहे हो, जबकि परमेश्वर ने कुछ सच्चे बंदे भी ठहराए हुए है। तो होता क्या है कि वीडियोस जैसी आती हैं, कोई भी चलाता है उसको ये पैसे देते हैं या उनको किसी और तरीके से काम करते हैं, जो इन्होंने हमारे साथ करने की कोशिश की। मैं खाली अकेला नहीं हूँ, और भी हैं जिनके साथ ये पंगे लेते हैं। सुनिएगा, ये सिस्टर जी जो है और ये ब्रदर जी जो है, मेरे को इनका नाम नहीं पता, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने अपने बच्चों के बर्थडे पे बाइबल का केक बनाया था जिसको काटने को लेकर विवाद हुआ। इस बहन को इसने 45 दिन 295 लगाकर अंदर भेज दिया, जो इनका कहना है। ये भाई भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई ऐसी इनके खिलाफ कुछ वीडियो पा रहे थे। इनका एक झगड़ा हुआ अपने किसी एम्प्लॉय के साथ जिसको इन्होंने साल भर तनख्वाह नहीं दी थी। वो एम्प्लॉय ने जाके बोल दिया कि इनका सीमेंट का जो धंधा है वहाँ पर रेत कहाँ से आती है, उनके चर्च में आके कौन कौन दारू पीता है, और उस एम्प्लॉय को पीटा गया, इसका ये भी छत से गिर पड़ा, और जो भी इनके बीच में आपस में कुछ पंगे हुए। ये भाई बताता है कि कैसे इसने उसका वीडियो चैनल ही हैक कर लिया, व्यूज ही नहीं आते इसके वीडियो पे। मैं सोचूं, मैं रात रात भर जागता हूं, मैं 40-40 दिन रोजा प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी ईमानदारी से वचन को नीचे लेकर आ रहा हूं, मेरे व्यूज क्यों नहीं है? जो अनाड़ी बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं, उनके व्यूज कहां से हैं? आप मेरा कोई भी कलाम उठा के देख लो और किसी के साथ कंपेयर कर लो। मैं सबका अपना गिफ्ट है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मगर मेरा गिफ्ट मुझे मालूम है, मैं क्या बोलता हूं क्या कहता हूं, मेरे व्यूज कौन खाता भाई? ये आदमी बताता है कि कैसे इनके पास एक पूरी टीम है जो हैक करती है चीजों को। मतलब ये कौन सा पास्टर है? मान लीजिए ये आदमी गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अगर इनके बातों में 1% भी सच्चाई है तो क्या आपको मालूम है ये क्या है? हर आदमी के, हर जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है उसके खिलाफ विवाद होते हैं, मगर अगर ये 1% भी सच बोल रहे हैं तो क्या आपको मालूम है ये क्या बोल रहे हैं? हम कैसे सह लेते हैं? शायद हम इतने फ्लैशली हो गए कि हमें मतलब ही नहीं है किसी बात से, हमारा मतलब हल होना चाहिए। मैं बताता हूं एक पेड़ और उसके फल के बीच में, आगे आगे दिखा, अगली स्लाइड पे जा, छोड़ दे। जितने मेरे YouTube पे दोस्त देख रहे हैं, आई सेंड इट टू यू, आई एडिट इट एंड आई सेंड इट टू यू, डोंट यू वरी, ठीक है। ये एक वीडियो है जो वीडियो टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री की है, और क्यों मैं ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको देखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि बाइबल की कौन सी आयत के नीचे ये काम हो रहा है। अगर आपको, मुझे तो नहीं मिली, अगर आपको मिल जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अगर कोई विवाद भी करना चाहे तो मैं, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, करिए जरा। अब मैं बताता हूं, ये सो कॉल्ड टीबी जोशुआ है, रुकिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड होल्ड कर। तो इनको, ये उनकी पत्नी है, इनको मरने के बाद इनको अपने ही चर्च के अंदर इनका वो बना दिया गया मकबरा,
अपनी कबर उनके अपने चर्च के अंदर है, यानी कि छोटा मोटा ताजमहल। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि चर्च है या मकबरा है, कि हम जगह पर जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, मकबरे में। मैं सवाल है मेरे दिमाग में, मैं शायद आपका नहीं होगा मगर मेरे सवाल में है। और भीड़ देखिएगा यहाँ पे, ईमानदारी से, मतलब चींटियों के चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है मैं वो भी बता दूंगा। आगे दिखाइए, थोड़ा सा आगे दिखाइए, जहाँ पे आगे आगे ले चलिए, यहाँ पे ले आइए और आगे ले चलिए। अब ये पानी के लिए प्रार्थना कर रही है, ये पानी के लिए प्रेयर हो रही है, अभी इसके बाद पानी पिलाया जाएगा। ओके जी, यहाँ लेके। अब मुझे, आपने अगर ऐसा कहीं बाइबल में देखा है तो मुझे बता दीजिएगा। अब इनमें से पानी निकाला जाएगा, थोड़ा और आगे कर इसको, और आगे कर, और आगे कर, और आगे कर। अब ये पानी पिया जाएगा। मैं चाहता हूं ये जगह को आप बड़े ध्यान से देखना, ऑल्टर के नीचे पानी है, दिखाता रहे इसको, दिखाता रहे। अब सब पानी पिएंगे ये वाला। अगर आप मेरी तरह गैर मसीह बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको पता है ये क्या हो रहा है। अगर आप अफ्रीकन जूजूस को जानते हैं तो आपको मालूम है ये क्या हो रहा है। ये वचन के कतई नहीं है। नामान को एक बार एलिशा ने बोला, सात बार डुबकी ले। नामान को छोड़कर और किसी को नहीं बोला। जब प्रभु यीशु ने कोड़ी चंगे किए वो किसी और तरीके से किए। ये क्या है, ये क्या है? थोड़ा आगे ले जाओ इस वीडियो को, यहां से देखिए। ये ऑल्टर है इनका और इसके पीछे खाली क्या है, पानी। और इसको ये लिविंग वाटर बोलते हैं। लिविंग वाटर जो बाइबल में है वो पवित्र आत्मा को बोला जाता है। ये कौन सा वाटर है, ठीक है, ये है इनकी लिविंग वाटर सर्विस। आप ऐसी कई सारी सर्विसेज में गए होंगे जहां चिट्टे कपड़े पहन के आप बैठते हो। ओवरनाइट प्रेयर, समझ में आता है, ओवरनाइट हम भी प्रार्थना करते हैं यहां चुपचाप। बहुत कुछ है जो वचन के खिलाफ है। ये सारा पानी आपके अंदर है, ये सारा तेल आपके अंदर है, फिर आप बोलते हो क्या हो रहा है जो वचन के खिलाफ है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग गुस्से में भी आ रहे होंगे मगर मैं निंद नहीं रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा पेड़ कौन से फल का है और जो फल होता है वो अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा हुआ होता। आगे दिखाइएगा, इनको पहचानते आप कौन है, जरा सुन लीजिए। Welcome you to the Synagogue Church of All Nations in Jesus' name. Thank you, Emmanuel. My name is Pastor Ankur Narula and I came from India. And this is my first time to the Synagogue, the Church of All Nations. Ministry name is the Church of Signs and Wonders. I know about Synagogue before when I was new in ministry and 15 people, 20 people was coming in my church and I have lots of problems, but when I started to follow this ministry, started to listen the sermons of man of God, Prophet T.B. Joshua, suddenly my church started to grow, and with 15 to 50 and 50 to 500 and 500 to 4,000 in 2 years, I'm so grateful, so blessed by this ministry. That's why I came today here to thank the man of God. अचानक से ये टीबी जोशुआ के यहाँ पे जाते हैं और 15 से ये 4,000 में चेंज हो जाते हैं। मैं अगर मरीन स्पिरिट आप पढ़ चुके हो, ये अपने चर्चों में चीज़ें लाकर गाड़ते हैं और उस चीज़ों की वजह से लोग खिंचे आते हैं। सम्मोहन, जादू, विजर्ड्स हैं ये घूमने वाले, जिनको आप पास्टर, अपोसल और प्रॉफिट कह रहे हो। जादूगर, कम से कम काला जादू जो करता है उसका पता हमें क्या कर रहा है। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लोग बैठे हैं जो उस मिनिस्ट्री से आए, जाते भी हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं जिनके लोग काम करते हैं वहाँ पर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे डर नहीं है क्योंकि मैंने परमेश्वर को जवाब देना है। मैं ना तो आपको जवाब देना है ना किसी और को, मैंने खुदावंद को जवाब देना है। फल पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता। इनके चर्चेज में जब दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, मिट्टियाँ खिलाई जाती हैं। हाँ, मैं बस बंदों को सामने खड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि वो खतरे में आ जाएंगे।
क्या निकली मिट्टी खाने से तुम्हारी दुष्टात्मा? कौन सा डॉक्ट्रिन है? निकली मिट्टियां खा खा के आ गए तुम? मैं जलंधर में एक बंदा था जिसको मैंने फोन किया, उसकी शराब एक दिन में छूट गई, उसकी वाइफ के ऊपर दुष्टात्मा आई। मैं तब गोवा में रहता था, मुझे पंजाब का कुछ नहीं पता था। मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आपके घर में मिट्टी पड़ी है, कहीं से लेकर आए हो? उन्होंने अपने घर से जवारात बाहर फेंक दिए मगर चर्च की मिट्टी नहीं फेंकी। आज भी वो वहीं पे फंसे हुए हैं। ये कौन सी आयत है? नामान कहता है एलिशा से, मैं मिट्टी चुक लूं। एलिशा ने कभी नहीं कहा कि मिट्टी चुक ले। चर्च में दुष्टात्मा हो जाते, मिट्टी खिलाओ चर्च की, चर्च की मिट्टी छूते ही हम चंगे हो जाएंगे। अरे प्रभु को छूओ आप चंगे हो जाओगे, कोई ये क्यों नहीं कहता? किसको क्या क्या सही है आप मुझे बताइए। दिमाग वाले रोग बैठे, दो और दो कितने होते हैं? हाँ जी, सभी को चार लगता है, किसी को 24 तो नहीं लगता। बाइबल के हिसाब से बंदे नु छुओ या यस्सु नु छुओ? मैं सारी बातें समझता हूं कि एक परमेश्वर के दास की आदर करना चाहिए, मगर ये जो हो रहा है ये आदर नहीं है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। ये टीबी जोशुआ के कुछ स्कैंडल्स हैं। टीबी जोशुआ के बारे में डिसेप्शन ऑफ द एज अनमास्क्ड, ये जो किताब है ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग किताब है साउथ अफ्रीका में, जो इनकी 14 साल पुरानी इनकी एक डिसाइपल ने लिखा। उस किताब के अंदर ऐसा वर्णन है कि कैसे टीबी जोशुआ लोगों को चर्च में बंद कर लेता था। जैसे ही लोग इनके विरोध में हुए, एक चेले एक लड़की थी जो उस चर्च में थी, जिसने देख लिया था कि टीबी जोशुआ, क्योंकि वो प्रेयर कर रही थी, वो परमेश्वर की भूखी थी, उसने देख लिया था कि कैसे टीबी जोशुआ किसी मरीन स्पिरिट के नीचे है। क्यों? इसीलिए उसके चर्च के अंदर पानी पानी है, पानी पानी है, पानी पानी है, पानी के बीच में बना हुआ चर्च है। और उस लड़की को उसने मराने के लिए कैसे, मतलब इसके अंदर आप इस किताब को पढ़ेंगे, गवाहियां कैसे फैब्रिकेट की जाती हैं, कैसे लोग स्ट्रेचर पे लाए जाते हैं जो बीमार होते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, चंगाइयां यहां पर भी होती हैं, प्रभु चंगा करता है, मुर्दों को जीते हुए मैंने देखा है, मगर ये जो कर रहे हैं ये फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड है। आपको मालूम है ऐसा ऐसा मेकअप होता है जो अगर मैं लगा लूं अपने चेहरे पर तो आपको लगेगा कि चोट लगी हुई है। जितने लोग VLCC जाते हैं बोलेंगे VLCC वाले कहां गए भाई, होता है वो मेकअप? हाँ जी होता है, होता है ना। आपको लगेगा मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं ऐसा दिखा दूंगा कि प्लेट पड़ी हुई है, हाथ ठीक हो गया जी, वही हो रहा है सर। कुछ मिरेकल्स ओरिजिनल भी हैं, अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हो प्रभु आपको ढूंढ रहा है, आता है प्रभु, मगर मैक्सिमम चीजें नाटक है। ये टीबी जोशुआ की सच्चाई है। आगे पढ़िएंगे वहां पर और ये सारी बातें जो इनके स्टाफ मेंबर्स ने कंफर्म करी टीबी जोशुआ के बारे में। उसके बाद जो कैमरून की सरकार थी उन्होंने लोगों को बैन कर दिया कि अगर तुम चर्च, ये साइकॉन चर्च में जाओगे, सोकान व्हाटएवर जो उसका नाम है, तो हम आपको कैमरून में वापस नहीं आने देंगे। तो ये है टीबी जोशुआ की सच्चाई, पापा जी के बड़े पापा जी यानी दादाजी। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं, आगे दिखाओ। शैतान का राज्य कभी डिवाइडेड नहीं होता, दुष्टात्मा कभी दुष्टात्मा को नहीं निकालती। मती 12:26 यूं कहता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वश में किसकी, वंश में किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो मैं परमेश्वर की ओर से हूं। ये प्रभु यीशु के वाक्य है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक क्रूसेड हुआ अमृतसर में और वो वीडियो भी मैं ढूंढ रहा था, और वो वीडियो एडिट हो जाती, गायब हो जाती, क्या होता मुझे नहीं पता। एक तरफ एक लाश थी और वो काफी विवाद वाला स्टेटमेंट हुआ फेसबुक में। तो एक सिख लड़का था जो प्रभु यीशु में आ रहा था, वो कहते हैं जी पापा जी ने प्रेयर नहीं की लाश के ऊपर, हम लाश उठा के खड़े रहे, किसी 17-18 साल के लड़के की लाश थी, अचानक से पापा जी ने क्या किया, दुष्टात्माएं जाहिर हो जाओ, खेलने लगो, ओ वॉलंटियर्स पागल हैं, वॉलंटियर्स ये हैं, वॉलंटियर्स, अचानक से दुष्टात्माएं खेलने लगी, पापा जी गायब वहां से। अगर आप प्रभु के दास होते तो क्या कहते, यार एक ट्राई तो करो,
जिए ना जिए मेरी इज्जत का क्या है, परमेश्वर की बढ़ियाई होने दो, जिए ना जिए वो वाली गवाही लेनी है अच्छा नहीं रहेगा, ये जगह वो नहीं है। एक जगह पर मैं गया अभी हाल ही कुछ दिनों, कितने दिन पहले की बात है, हाँ 3 महीने हो गए, एक जवान बच्चा मर गया था। वो क्यों मरा वो भी मुझे पता है, मगर वहाँ पे नहीं जाएंगे। सिस्टर दीप्ति उसके तो उसके हार्ट पे थी, हम प्रेयर करने लगे, अमृतसर की बात है, धड़कन आई थी पक्का आई थी, नहीं मैंने तो पाँव हिलते हुए देखा, मुझे नहीं पता बाकी। तो वहाँ पे अचानक से सांस भी आई और धड़कन भी आई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अचानक से वहाँ प्रकट हुए कुछ लोग पापा जी के, उन्होंने मेरे को धक्का वक्का दे के पीछे कर दिया। लाश पड़ी हुई है वहां पे 4 घंटे से, किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं जाता हूं वहां पर, धड़कन आती है, जैसे ये लोग रोला मचाते हैं सब लोग मुझे धक्का दे के बाहर कर देते हैं। मैं ऊपर देखता हूं वहां पवित्र आत्मा ही नहीं है, सब घुटने गाड़ के कर रहे हैं। मैं कहा चलो यहां से, ये ऐसे होली स्पिरिट आपके पास पड़ी हुई थी ना, आप मेरे आने का क्यों इंतजार कर रहे थे, आप खुद उठा लेते, क्योंकि आपको डर था क्या शायद नहीं उठेगा। मुझे इस बात का डर नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बाप के बारे में क्या बोलते वो ज्यादा जरूरी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा ग्लोरी हॉग करते हैं, जहां भी कैमरा हुआ जहां भी, इन्होंने कोई काम प्राइवेट में नहीं करने। यीशु मसीह ने लोगों को कहां चंगा किया, बाजारों में, उनके घरों में जाकर। ये क्या करते, कैमरे का इंतजार करते हैं भाई, कैमरे के लिए करेंगे जो करेंगे। सुनिएगा आगे दिखाओ, ये इनको तो आप पहचानते ही हैं, आने वाले अभी फ्री ले हैंड करने यहां पे, पहचानते आप इनको, अभी मैंने पढ़ा फ्री ले हैंड। फ्री ले हैंड की होंदा यार, मैंने दसो इनका रेट 15,000 है, पापा जी का 5,000 था नहीं था, कितना था, कितना लेता था पहले ले हैंड का, ये तू तेरी शक्ल नहीं जा रही ना, मैं खड़ा हूं, कितना लेते थे, 5 रेट है सभी के भाई। हाडे मैं भी बोल दूं हमने अपना नया स्पीकर लगाना है, तुम्हारी जेबों में माता आ जाएगी कि चर्च में संडे स्कूल बनाना है, सबको अपने पीड़े ने, ओ नहीं 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 नहीं, अभी ले हैंड कराने के लिए बोलूं 5,000 अभी निकालोगे, अभी तेल बेचने को बोलूं लेके जाओगे यहां से। इस बंदे के ऊपर 2 टाइम रेप चार्जेस हैं, 2 टाइम्स रेप चार्जेस, और एक बार 10 साल की 8 साल की लड़की। कौन सी माँ अपनी बेटी की है जो 8 साल की है बोलेगा कि इसने किया है, आप बोल सकते हैं, जबकि इनकी 2 खुद बेटियां हैं। ऐसे ऐसे चार्जेस पॉलुस के ऊपर क्यों नहीं लगे, पतरस के ऊपर क्यों नहीं लगे, साधु सुंदर सिंह के ऊपर क्यों नहीं लगे, अंकल डीजीएस दिनाकरन के ऊपर क्यों नहीं लगे, क्या वो सेवकाई नहीं चलाते थे, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तो आग है, धुआं अगर निकल रहा है तो कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं है, क्यों हम सवाल नहीं पूछते। आगे पूछिएगा, फॉल्स टीचिंग की तो इनकी पूछो ही मत, मैं इसकी कोई भी वीडियो दिखा दो मैं उसमें से आपको बता दूंगा कहां कहां गलत बोलता है। इसी के चक्कर में पंजाब आना पड़ गया मुझे, रोजा रख के बैठा हुआ था मैं कि कोई बंदा अपना फड़ लिया रेप चार्जेस में, खाया नहीं मैं, 1:30 बजे तक मैं पड़ा हुआ हूं, मेरी मम्मी भी वहां फास्टिंग कर रही है, गोवा में बैठा हूं, परमेश्वर ने उठाया मुझे, जाके लैपटॉप खोलता हूं तो भाई साहब की एक, तेल ले जाओ आपका पाप क्षमा। मैं गश आ गया, मैंने मैं की किया है, मैं 1:30 बजे उठ के बिरयानी खाई, 1:30 बजे उठ के मैंने बिरयानी खाई, मैंने कहा हटा यार, रेप चार्जेस हैं इनके ऊपर, आपको ये लोग क्यों पसंद है। आगे सुनिएगा एक्सटॉर्शन, ये कहानी मैंने सुन चुका, एक भाई है हमारा कलकत्ते से है, नया था उस, वो आया जी बजिंदर सिंह के जाऊंगा मैं, चल जाऊंगा, उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई है, पेड़ से गिरा था। मैंने बोला बेटे विश्वास कर प्रभु पे, कहते नहीं बजिंदर पे ज्यादा विश्वास है। आया, 65,000 रुपए इससे लिए गए, वो भी वो था नहीं वहां पे, वो किसी से लेकर दिया, आज वो मसीह में भी नहीं है, मेरा फोन भी नहीं चुकता, क्योंकि अभी भी वो जैसे आया था वैसे ही लेटा गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तेल साबुन पता नहीं क्या क्या बेचता है ये बंदा, इस इतना तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने नहीं बेचा जो इसने बेच लिया है। आगे चलिए, प्रकाशित वाक्य 16:13 क्यों कहता है, फिर मैंने देखा कि एक विशालकाय अजगर के मुख से क्या निकले, उसके मुख से, उस पशु के मुख से
और कपटी नबियों के मुख से 3 दुष्ट आत्माएं निकली। ठीक है, ये वो बीमारियां हैं जो कलीसिया के ऊपर आने वाली हैं अगर आपने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। अगर आप इसको सही से तोड़ मरोड़ और जोड़ सकते हो तो तैयार हो जाओ। कोरोना में आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। एक शेर याद आया मुझे ये जब मैं आयत पढ़ रहा हूं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी कश्ती थी डूबी वहां, इन्होंने पानी बेच बेच के हमारी कश्तियां डुबा दी। बाहर वालों से हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, इनसे डरने की जरूरत है। सुनिएगा, फिर मैंने देखा कि विशालकाय अजगर के मुख से, उस पशु के मुख से और कपटी नबियों के मुख से 3 दुष्ट आत्माएं निकली जो मेंढक के समान दिख रही थी। मेंढक और कहां पढ़ते हैं आप? जब मिस्र में प्लेग आया था, मेंढक घुसे थे। इट्स अ प्लेग जो उनके मुंह में से बाहर आ रहा है। ये शैतानी दुष्ट आत्माएं थे और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। शैतान अपनी शक्तियां दूसरों के अंदर, जो कि हमारे, मेरे हिसाब से जो कि यहां पे इन चर्चेस में हो रहा है, एक के ऊपर आता है, एक से दूसरे के ऊपर आता है, दूसरे से तीसरे के ऊपर आता है। जो काम वो कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। सुनिएगा, टीवी जोशुआ के बारे में ऐसा कहा है, उसने 159 आदमी मरवा दिए। उन्होंने बुलाया था अपनी चर्च में, चर्च को गैर कानूनी तरीके से बनाया था, चर्च गिर गया, 169 पीपल दब के मर गए, जिसके अंदर इंटरनेशनल लोग भी थे। वो बोलता बम का धमाका हो गया जी यहाँ पे। फिर जब जांच हुई तो पता चला बिल्डिंग गलत बनाई थी। लोगों की जान की भी कीमत नहीं है इन लोगों को, क्या कीमत है। गुरदासपुर में मैं जानता हूँ, एक मीटिंग हुई थी, किसी ने मुझे बताया था, एक लड़की के ऊपर टीवी गिर गया हवा में, सेवकाई ने क्या मदद की, थोड़ा बहुत, जो भी आपके हिसाब से, आपके पास कमी नहीं है ना, थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना किसी के लिए। मैं नहीं बोलता बहुत कर दो, मगर जितना हुआ है, एक अगर रस्ते में भी कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, क्या हम उठा के नहीं पहुंचाते उनको, पहुंचाते हैं ना। तो एक सेवकाई ने क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं पूछते ये सवाल। सुनिएगा, ये शैतानी दुष्ट आत्माएं थीं और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वे समूचे संसार के राजाओं, परम शक्तिमान परमेश्वर के महान दिन युद्ध करने के लिए एकत्र करने को निकल पड़ी, जो कि अभी का सीजन है। ये आज हो रहा है, ये आज की सच्चाई है। आगे सुनिए, आगे चलिए। ये आपको मालूम है, ये अब इनके नए पापा बने हैं। आपको मालूम है इनका नाम, मालूम है क्या है? उबर्ट एंजल। सुनिए, ये तस्वीर है लंदन की। इस आदमी की नेटवर्थ है 400 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर। एक डॉलर 80 रुपए का है, 400 बिलियन इंटू 80 कर लो, तुम्हारा गणित इतना अच्छा है नहीं। इनके ऊपर इल्जाम क्या है? गोल्ड स्मगलिंग। और गोल्ड स्मगलिंग किससे करवा रहे थे? जिम्बाब्वे के राजदूत से, द एम्बेसडर ऑफ जिम्बाब्वे। सुनिएगा, टैक्स इवेजन। जिम्बाब्वे से ये भारत बंदा बाहर भाग चुका है, अभी जिम्बाब्वे में है नहीं। स्मगलिंग, टैक्स इवेजन, और पता नहीं कितने इलिसिट अफेयर, रेप चार्जेस इसके ऊपर हैं, गिनती नहीं है। अब जिम्बाब्वे में ये जाता नहीं, अभी यूके में बैठा है। और इसकी प्रीचिंग्स आप सुनोगे, सब लोग उबर्ट एंजल। इसका एक चेला है जिसका नाम है जेरोम फर्नांडो, जो है श्रीलंका में। उसका मिरेकल डोम पिछले एक साल से कंप्लीट नहीं हुआ। 1 करोड़ चाहिए, 400 बिलियन आपके पास है, 1 करोड़ देते क्यों नहीं? प्रभु का काम हो रहा है ना, प्रभु का काम हो रहा है ना। बोगे तो काटोगे ना। हम भी चर्चेस में पास्टर्स की हेल्प करते हैं ना, ये क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पिरिट ही वो नहीं है। मिरेकल डोम कंप्लीट नहीं हो रहा, पाजी पापा बोल रहा है उसको, आई एम द सन ऑफ उबर्ट एंजल। क्यों ना यार, भेज यार 1 करोड़, केड़ी बड़ी गल है। आगे चलो, ये है मिस्टर एंड मिसेस बिशुरी। ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि एक माफिया है, ये सब साथ चलते हैं, सब हाथ में हाथ दिए हुए चलते हैं, अकेला कोई नहीं काम करता, मैं और आप अकेले, ये सब साथ में है। इनके ऊपर क्या है? इनकी एक फ्रॉड कंपनी है, जितने भी घाना में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे इसको मिलते हैं, पता नहीं कैसे।
कैसे इसके पास सारी सरकारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसकी बिडिंग होती है, वो बिडिंग इसके पास पता नहीं कैसे लगती है, क्या चमत्कार हो रहा है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, रेप चार्जेस, इनकी वाइफ को 6 महीने की जेल भी हुई थी और अभी भी केस चल रहा है जहां पे पैसे और फ्रॉड की बात है और अपहरण की भी बात हुई है। ये है हमारे सो कॉल्ड पास्टर्स। आगे चलिए, ये देखिए चोर चोर। हाँ, हमारे पापा जी को क्या जरूरत पड़ती है? अगर पापा जी सच्चे हैं तो अपना पासपोर्ट एक बार दिखा दें। हर महीने आपको क्या जरूरत पड़ती थी लागोस नाइजीरिया में जाने की? पॉल को हमने ऐसा करते हुए नहीं देखा, टिमथी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। ठीक है, आप अपने पास्टर के पास जाते हैं, मगर क्या करने जाते हैं? कौन सा स्पेशल तेल, कौन सा स्पेशल पानी वहां से आता है? आप ही का तेल हम क्यों लें? चर्च है ना, आप अपना अपना तेल लाए। चलो मैं आपको तेल नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे पास इतना है नहीं कि मैं आपको तेल दे दूं। आप अपनी अपनी शीशा लाइए, यहां छोड़ जाइए, अगले हफ्ते ले जाइएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अपनी अपनी शीशियां लाइए, तेल ही है ना, आप यहां छोड़ जाइए, मैं प्रेयर करूंगा, अगले हफ्ते उठा के ले जाइएगा। उस तेल में क्या है, उस पानी में क्या है? क्योंकि वो पानी खास जगह से आता है, फ्री में नहीं आता, उसके पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे आगे भी दबा पूरे करने पड़ते हैं। ये मिरेकल्स जो यहां पर होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं क्योंकि प्रभु कहीं पे भी काम करता है, कुछ फैब्रिकेटेड होते हैं और कुछ जादूकरी के होते हैं। टूटी हुई कमर के साथ गया था मगर नशे की आदत पता नहीं कहां से लग गई। हाथ टूटा हुआ था मगर ऑपरेशन से हाथ ठीक हो गया, डिप्रेशन में कैसे आ गया? सब कुछ ठीक था, अचानक से व्यभिचार में कैसे चला गया? ये रॉन्ग ट्रांसफर्स है जिसको हमें जानने की जरूरत है, जिसको मैं आगे पढ़ा चुका हूं। आगे करिएगा, क्या ये आखिरी है? ये हमारा गुरदासपुर है, देख लीजिएगा, एनॉइंटिंग ऑयल। फोटो देखिए, एकदम सेम टू सेम, आंखें बंद, पतली टाई, वेस्ट कोट, फोटो, 150 रुपए का तेल, अग्गे रुमाल भी है। और कुछ देखना है? ले लो ले लो ले लो, मंगल बाजार, ये वो मंगल बाजार है। आगे चलो, फर्स्ट फ्रूट, ये पुराने नियम की एक कहानी है जिसमें से पहला फल लेकर आते थे। अगर आप लाना चाहें तो आपका है, मगर अनॉइंटिंग क्या है इसमें, अनॉइंटिंग फ्रूट्स क्या है मुझे नहीं पता। ये पहले ए साहब हमारे पापा जी के यहाँ पे राइट हैंड थे, अब ये किसके राइट हैंड है मुझे नहीं पता। ये मसीह, ये भी तेल तूल बेच रहे हैं। आगे चल, आगे इससे बढ़िया वाली तस्वीर है। आ, आ, देखो 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 देखो, यस्सु मसीह दी बराबरी करते हुए लोग। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, यस्सु ने हमारे लिए 40 खाए, आप कम से कम 20 तो खाओ, कम से कम 20 खाओ। खाओगे क्या? खाओगे क्या? नहीं खाओगे? दो आयतें पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। याकूब 1:12, आगे चल आगे चल। ये फेवरेट फोटो है मेरी, ये है हमारे चर्च की सच्चाई। रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, हो ले, ये है रिवाइवल। याकूब 1:12 यूं कहता है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र की छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, ठीक है जी, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ से निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ भी उखड़ गई है। ये समुद्र की प्रचंड हिलकोरों हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये दांव डोल वाले तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। इनको लज्जा नहीं है। आपने
केक पे इतना विवाद हुआ, इनके साथ इतना विवाद हुआ, क्या एक स्टेटमेंट आई कि अगर किसी को मेरी वजह से चोट पहुंची है तो आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। पौलुस क्या कहता है, अगर हमारी वजह से किसी को ठोस लगे, ठेस लगे, तो अच्छा होता कि बांट का पत्थर हमारे गले में लगाया जाता और हम, या तो आप सही बात कह रहे हैं कि नहीं आप अपने पाप छोड़ दीजिए और जो कुछ है मतलब तब टिप ऑफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, मगर मेरे किसी करने की वजह से किसी के दिल में चोट लग रही है तो मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा कि भाई विश्वास से पीछे ना जाओ। इनकी एक स्टेटमेंट आई, सारी वीडियोस जो इनके विरोध में बनती है खाली वो लेडी है जो खड़ी हुई है, और अगर वो सच बोल रही है तो क्या चर्च का फर्ज नहीं बनता एक बार पूछे बहन आप क्या बोल रहे हो? कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि हम गलत आदमी को के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मैं मसीहत के लेके कितना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कहीं के मणिपुर के हैं, पाकिस्तान के हैं, सारे मसीह मेरे भाई हैं, अगर कहीं भी गलत बात होगी मैं आवाज़ उठाऊंगा जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी ताकत है, मगर ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। सुनिएगा, दूसरा तिमथी, आगे ले चल, ये इंसानों की पूजा वाला, दूसरा तिमथी 4 यूं कहता है तीसरे अध्याय से, आगे ले चल, क्योंकि ऐसा समय आगे आगे पीछे 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 पीछे, हाँ ये लास्ट स्लाइड है। सिक्के के दो पहलू हैं, कितने पहलू हैं, अपने बगल में वाले को बोलिए सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों ये मिनिस्ट्रीज चल रही हैं ये मैं आपको बता देता हूं, आपकी वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि आप चला रहे हो। सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, उनको सुनना ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो, सुनना ही नहीं है, उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के किसकी खुजली, अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा। क्या उठा? इनके जिंदगी में दुख होता ही नहीं है। पौलुस मार खाता रहा, यूहन्ना मार खाता रहा, भाई मेरे को बुखार हुआ कल रात को, इनको कभी ना बुखार होता है ना नजला होता है, ना इनको कभी फीस देनी होती है, मतलब सब चमत्कार है। पौलुस तिमथी को क्या कहता है, सुसमाचार के लिए क्या उठा, क्या उठा? और जब ये स्टेरॉयड वाले चर्च आप लोग देख लेते हैं, कोई भी प्रचारक यहां बैठा है जो कल जाके सेवकाई करेगा, उनको लगता है सबसे पहले मेरे पास ये 4.5 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए तभी मैं सेवा करूंगा, 4 आदमी मेरे आगे, 4 आदमी मेरे पीछे, 4 आदमी मेरे जूते साफ करने के लिए, वो सेवा है। मगर कलाम क्या कहता है, दुख उठा, दुख उठा, बोझ उठा किसी का। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हम वहां पर क्यों हैं? क्योंकि हमें कन्फेशन ना करना पड़े, हमारा झूठा घमंड रह जाए, हमारा काम बन जाए। मगर आपको मालूम है शैतान का फंदा है, एक जगह से निकालेगा 4 जगह पर डालेगा आपको। ये आज की कहानी नहीं है, यहर्मिया नबी की कहानी जब आप पढ़ते हैं, एक यहर्मिया, उसको परमेश्वर ने बोला कि इसराइल के खिलाफ दंड आने वाला है, 1000 प्रॉफेट जो अपने आप को परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहे हैं, वो कहते हैं यहर्मिया जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, झूठा भविष्यवक्ता है। मगर एक समय आया जब नबूकदनेस्सर ने पूरे इसराइल को गुलाम बना लिया, जो लोग पापाजियों की मीटिंग में बैठ रहे थे ओरिजिनल सभाएं सुन के, उनके पोते, उनके परपोते और आने वाली 7 पीढ़ियां तक गुलामी में गई। ये निर्णय आप कर लीजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप जीना चाहते हैं तो सच को जानो, सच तुम्हें, आइए प्रार्थना करें।